एनसीपी नेता अजीत पवार के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना में शामिल होने के बाद राज्य में सियासी समीकरण बदल गए हैं। अजीत पवार के सरकार में शामिल होने पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी बात रखी। शिंदे ने कहा, अभी अजीत दादा ने भी कहा है कि विकास को हम साथ दे रहे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, तो उन्होंने विकास को साथ दिया है। वहीं अजीत पवार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमारे पास ज्यादातर एनसीपी विधायकों का समर्थन है और इसी के कारण मैं डिप्टी सीएम बना हूं। हम जो भी कर रहे हैं पार्टी के हित में है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। इन दोनों नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने 3 जुलाई को ही शरद पवार को चिट्ठी लिख दी थी। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए 3 नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। इस ऐलान के तुरंत बाद अजीत पवार ने एनसीपी की नई पार्टी बना दी, जिसमें उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।